दहेज में गाड़ी की मांग पूरी नहीं हुई तो तीन तलाक बोलकर घर से निकाला, 8 पर मामला दर्ज। दरअसल बिछोर थाना के एक गांव में विवाहिता के साथ अधिक दहेज में गाड़ी की मांग पूरी नहीं करने पर मारपीट कर तीन तलाक बोलकर घर से बाहर निकालने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के 8 नामजद लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी राजकुमार ने बताया कि बीसरू निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी करीब 3 साल पहले रिट्टू निवासी साजिद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के समय से उसके ससुराल के लोग अधिक दहेज में गाड़ी की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट व प्रताड़िता करते रहते थे। पीड़िता का आरोप है कि गाड़ी की मांग पूरी नहीं हुई तो ससुराल के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, पति ने 3 तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पति साजिद, जकरी, साहिद, छोटी, अस्मा, वाहिद, साबिर, हामिद निवासी रीटू के खिलाफ अधिक दहेज मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्ट राइट ऑफ मैरिज एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।